देखिए, शिव की नगरी काशी रंगोत्सव में सराबोर होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ भगवान शिव के साथ होली खेलने के लिए देश विदेश से भक्त पहुंचेंगे। ऐसे में रंग की खपत भी बहुत ज्यादा होगी, जिसको पूरा करने के लिए महिलाएं अब इस काम में जुट गई है। वाराणसी में महिलाओं का एक समूह इन दिनों रंग बनाने में काफी ज्यादा व्यस्त नजर आ रहा है। खास बात यह है कि यहाँ पर आसानी से मिलने वाली चीजों से इन रंगों को तैयार किया जा रहा है। रंग बनाने के लिए गेंदे के फूल, हल्दी और पालक जैसी सब्जियों का इस्तेमाल हो रहा है। हल्दी और गेंदे के फूल से पीला रंग तैयार किया जा रहा है, जबकि हरा रंग पालक की मदद से बनाया जा रहा है। लाल रंग के लिए चुकंदर का जूस को मिलाया गया है। होली पर जब ये रंग लोगों के चेहरों पर सजेंगे तो उनके चेहरे की रंगत और जरूर निखर जाएगी। खेत में जाते हैं, घर का ही खेत है, बगल में फूल लगाए हैं, उसको तोड़कर उसको लाते हैं, नीचते हैं, नीच कर उसको उबाल देते हैं। उबालने के बाद 2 मिनट बंद कर देंगे, गर्म हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद मिलाकर आला रोट और ये पीला हल्दी, कच्ची हल्दी मिलाकर हम लोग आला रोट मिलाकर उसको धूप में, हल्के धूप में सुखवाएंगे। उसके बाद मिक्सर में पीस कर उसको फिर चलनी से चाल कर उसमें थोड़ा सा महकने के लिए सेंट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पैक वैक कर यही इसी तरह बना रहे हैं। अभी पहली बार हम लोग बना रहे हैं। हम लोग पीले फूल से बना रहे हैं और हल्का सा हर्बल के लिए हल्दी डाल दिया जा रहा है, और हरे के लिए पालक की आवश्यकता है, इसलिए हरे पालक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके हरा बनाते हैं, और चुकंदर से गुलाबी कलर बनाते हैं।